सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं सीपी और सीवी। सीपी का मतलब ये होता है स्थिर ताप पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी जो होता है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ये सफिक्स में लिखना सीपी और सीवी। पी से मतलब प्रेशर कांस्टेंट, वी से मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, दाब स्थिर और आयतन स्थिर। इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं सीपी और सीवी को। एक स्थिर आयतन पे होती है और एक स्थिर दाब पे होती है। एक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों के अपन डेफिनेशन देखेंगे, पहले परिभाषा देखेंगे, फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेयर इक्वेशन, मेयर की इक्वेशन जो मेयर समीकरण आता है वो ट्वेल्थ के साथ साथ में सीबीएसई कॉम्पिटिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आज हम डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले सीपी और सीवी क्या होता है, तो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे कि सीवी इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी डेट सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स और रिलीज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर वॉल्यूम चेंज डज नॉट ऑकर। जब आयतन चेंज नहीं हो रहा हो, स्थिर आयतन पर कह सकते हैं कि आयतन को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, स्थिर आयतन रखेंगे, तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के, स्थिर आयतन पर क्या करेंगे, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा की मात्रा को हम स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा किसको कहेंगे, कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, यूनिट पर यूनिट मास ले लेंगे गैस का, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे, 1 डिग्री है केल्विन को क्या करेंगे इंक्रीज करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उस हीट को हम क्या बोलेंगे, सीवी। स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम गैस की क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आगे होगी। इसी प्रकार से सीवी, सीवी क्या होता है, स्थिर ताप पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर हमने स्थिर आयतन लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, इसके स्थान पर हम कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करना है, कोई भी गैस है जिसका मास यूनिट है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करेंगे या 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम सीपी कहते हैं। सीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। तो ये प्रेशर कांस्टेंट पर स्पेसिफिक हीट है और ये वॉल्यूम कांस्टेंट पर स्पेसिफिक हीट है। तो दोनों की डेफिनेशन अपने को समझ में आना चाहिए। दोनों अमाउंट ऑफ एनर्जी है या हीट है, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम की जो मास या गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करते हैं, तो जो भी हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, स्थिर आयतन पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इस तरह से डेफिनेशन अपने को मालूम होना चाहिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सीपी स्थिर दाब पर है और सीवी स्थिर आयतन पर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है सीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, सीवी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो डेफिनेशन देते समय ध्यान रखना, यदि सीपी की पूछे तो स्थिर दाब पर, बाकी डेफिनेशन ऐसे कैसे, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आयतन का पूछे तो स्थिर आयतन पर, डेफिनेशन ऐसे किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस ऊष्मा की मात्रा को सीवी कहते हैं। तो ये दोनों के डेफिनेशन अपने को मालूम होना चाहिए। अब हम सीपी और सीवी में संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि सीवी आंतरिक ऊर्जा, ये यदि सीवी स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस को हम एनर्जी देते हैं, मान लो इसको हमने गर्म किया स्थिर आयतन पर, मतलब ये आयतन को फिक्स कर दिया अपन, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिए, ठीक है। स्थिर आयतन का मतलब समझिए ना, फिक्स कर दे, जैसे प्रेशर कुकर में आयतन फिक्स होता है, उसको हमने प्रेशर कुकर जैसे आयतन को इसमें फिक्स कर दे। अब इसको अपन हीट दे रहे, ऊर्जा दे रहे, क्या होगा, इसकी हीट जो होगी इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या करेंगे, इंक्रीज कर देगी। जब भी किसी गैस को हम स्थिर आयतन पर ऊर्जा देते हैं, स्थिर आयतन का मतलब सीवी, स्थिर आयतन पर एनर्जी देंगे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इस गैस के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है।
तो जब भी किसी गैस को हम स्थिर आयतन पर हम ऊर्जा देते हैं, जैसे प्रेशर कुकर को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। उसी टाइप से ये भी कि यदि अपने स्थिर आयतन पर यदि दी तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी है, इंक्रीज होती है। इसके अतिरिक्त यदि अपने सीपी की बात करते तो सीपी में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे मान लो हीट दी इसको हमने, गर्म किया इसको, तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि किसी चीज़ को अपन गर्म करते, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अपने को पता है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा डिपेंड अपन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अपन गर्म कर रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा में तो वृद्धि होगी। साथ में अब चूंकि इसका अपने को क्या करना है, आयतन चेंज होगा तभी प्रेशर एक जैसा रह सकता है, यदि यहीं रखेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा इसके अंदर, तो क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, यानी क्या होता है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा या सिस्टम के द्वारा क्या होता है, वर्क डन होगा। तो जब अपन सीपी की बात करते हैं तो इसके दो काम रहते हैं, क्या, एक तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, दूसरा ये जब इंक्रीज होगी एनर्जी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब गैस के द्वारा वर्क डन होगा, गैस पिस्टन को ऊपर की ओर धकाएगी तभी उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, नहीं फिक्स वॉल्यूम कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी, केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये अपने को प्रेशर नहीं बढ़ने देना, प्रेशर कम नहीं बढ़ेगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा, पर कब जाएगा, जब गैस के द्वारा या सिस्टम के द्वारा क्या किया जाएगा, कोई वर्क डन या कार्य किया जाएगा। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि सीपी का केवल एक ही काम होता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। सीपी के दो काम होंगे, क्या, एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता, अंदर की ऊर्जा भी बढ़ती है, साथ में ऊर्जा बढ़ने के साथ में क्या होता है, पिस्टन ऊपर की ओर भी जाता है, और यदि यहाँ फिक्स कर देंगे ये वाली आ जाए तो ऊपर जाता है, इसका मतलब गैस के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, सीपी के दो काम होंगे, क्या, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि और गैस के द्वारा किया गया कार्य। अब आंतरिक ऊर्जा वृद्धि तो सीपी भी करती, आंतरिक ऊर्जा वृद्धि किसके बराबर होती है, सीपी के बराबर, तो इसको मैंने सीपी लिख दिया। गैस के द्वारा किया गया कार्य वर्क डन डब्ल्यू लिख दिया, तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू डब्ल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी मैंने इसको। अब देखो सीपी में से सीवी को माइनस करने के बाद डब्ल्यू आता है, प्लस में आता, तो इसका मतलब ये होता है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी, बड़ा क्या हुआ, क्योंकि वैल्यू कैसे आ रही, पॉजिटिव, जब प्लस वाले ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब सीपी बड़ा होता है सीवी से। तो एक प्रश्न ये आता है कि सीपी बड़ा ग्रेटर देन सीवी, तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि सीपी जो होता है सीवी से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसके दो काम होते हैं और सीवी का केवल एक ही काम होता है, इसलिए सीपी बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है बड़ा, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब अपन मेयर समीकरण की बात करते हैं, मेयर समीकरण जो कि इंपॉर्टेंट है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये प्रूव करना होगा, ये मेयर इक्वेशन कहलाती है। अब मेयर इक्वेशन में क्या करेंगे हम, जैसे अभी हमने ये लिखा है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू डब्ल्यू, हम डब्ल्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं, डब्ल्यू वर्क डन, तो वर्क डन यदि ज्ञात हो जाएगा या वर्क डन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हम कार्य, सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे, तो कार्य का फार्मूला हमने पढ़ा था, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कार्य इक्वल टू क्या था, बल गुणित विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अपने को तो प्रेशर है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, बल बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल, बल बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दो, दाब गुणित क्षेत्रफल, दाब कितना है हमारे पास, P मान लो, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बल की जगह लिख दो दाब गुणित क्षेत्रफल, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फोर्स की जगह क्या लिख दो, प्रेशर, दाब गुणित क्षेत्रफल गुणित विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये प्रेशर और क्षेत्रफल और विस्थापन इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, जबकि एरिया और डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एरिया मतलब एल स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एल, तो एल की पावर थ्री, एल की पावर थ्री जो होता है वो वॉल्यूम होता है,
ध्यान रखना। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, दाब गुणित आयतन में परिवर्तन, क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए हम परिवर्तन लिखेंगे, आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रेशर को पी और वॉल्यूम चेंज पहले कितना था, वी वन था, अब कितना हो जाता है, वी टू। तो वी टू में से वी वन को माइनस कर देना, तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ये इक्वेशन मैंने टू दे दी, ठीक है। तो ये वर्क डन हमारे पास में निकल गया। क्या करना है, वर्क डन का फार्मूला फोर्स, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणित विस्थापन। अब बल अपने को पता नहीं, तो दाब का फार्मूला हमें पड़ा था, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ से बल का निकाल लेना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, दाब गुणित क्षेत्रफल, ये यहाँ वैल्यू पुट कर देना, बल की जगह क्या लिख देंगे, दाब गुणित क्षेत्रफल, यहाँ दाब गुणित क्षेत्रफल लिख देना, क्षेत्रफल गुणित विस्थापन, ये आयतन में परिवर्तन कहलाता, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयतन वॉल्यूम क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल गुणित विस्थापन आयतन में परिवर्तन कहलाता। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा पी वी टू माइनस वी वन। अब देखो, अब यहाँ आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करेंगे। आदर्श गैस समीकरण सभी ने पढ़ रखी है कि PV इक्वल टू RT होती है एक मोल गैस के लिए, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू RT। अब यहाँ दो कंडीशन है, क्या पहले में हमने टेम्परेचर T माना, वॉल्यूम V माना और प्रेशर P माना, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया कितने डिग्री, एक डिग्री या एक केल्विन, क्योंकि अपने डेफिनेशन में लिख रखा है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना, वन डिग्री या वन केल्विन को अपने इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करेंगे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर को हमने कांस्टेंट मान रखा, प्रेशर चेंज नहीं होने देगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि पिस्टन ऊपर की हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इनिशियली टेम्परेचर टी मान लिया, वॉल्यूम वी वन मान लिया और प्रेशर पी मान लिया, प्रेशर को कांस्टेंट रखते एक डिग्री सेंटीग्रेड अपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करेंगे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन में देख रहे हैं कि T, P और V1, पहली वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, P V1 इक्वल टू R, P V1 इक्वल टू R, तो कांस्टेंट T। सेकंड वाली कंडीशन में देखो, सेकंड में क्या आ जाएगा, P प्रेशर P वॉल्यूम V2 और R टेम्परेचर T प्लस वन, T प्लस वन, तो ये सेकंड कंडीशन हो गए। हम आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT इसका यूज कर रहे हैं, PV इक्वल टू RT, ये हमने पढ़ रखी PV इक्वल टू RT एक मोल गैस है, तो PV P V1 इक्वल टू RT, P V2 इक्वल टू R T प्लस वन, T प्लस वन। अब इसमें देखो V2 माइनस V1 लाना, तो V2 माइनस V1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दे दो चाहो तो थर्ड ये फोर्थ, तो समीकरण या इक्वेशन और माइनस थ्री, और में से थ्री को माइनस कर दो, वी टू माइनस वी वन आ जाएगा, पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल टू आर टी प्लस वन, में से माइनस आर टी कर दो, तो पी कॉमन ले लो, वी टू माइनस वी वन इक्वल टू आर टी प्लस आर माइनस आर टी, और तो आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो पी V2 माइनस V1 इक्वल टू R, ये इक्वेशन में दे देता हूँ फाइव, ठीक है। अब P V2 माइनस V1 इक्वल टू R आ गया, तो इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ से देखो, समीकरण पांच और दो से, समीकरण दो से इक्वेशन फिफ्थ एंड टू से क्या हो जाएगा, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तो W इक्वल टू R हो जाएगा, या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, W इक्वल टू R हो जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन सिक्स दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में W इक्वल टू R आ गया, तो यहां हमने क्या प्रूव किया था, CP माइनस CV इक्वल टू W, यहां हमने क्या प्रूव किया है, CP माइनस CV इक्वल टू W, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन समीकरण एक व समीकरण छह से सिक्स से क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इक्वल टू W, तो यानी यहाँ आप W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, ये W इक्वल टू R आ गया, इस इक्वेशन में देखो ये W इक्वल टू R आ गया, तो उस W की जगह हम R पुट कर सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास, CP माइनस CV इक्वल टू R, दिस इज मेयर इक्वेशन, ये मेयर समीकरण होती है, मेयर समीकरण, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं मेयर इक्वेशन, बहुत आसान है।
है ना, वर्क का फार्मूला मालूम होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल नहीं मतलब दाब बल बटे क्षेत्रफल या दाब क्षेत्रफल या आयतन परिवर्तन। फिर क्या करना, गैस इक्वेशन में लगाना, इसके लिए लगाना, इसके लिए लगाना, दोनों कंडीशन के लिए लगाना, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना तो आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, ये डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो इसकी जगह डब्ल्यू रख दो, डब्ल्यू इक्वल टू आर हो जाएगा, और डब्ल्यू इक्वल टू आर आ गया तो हमारे पास में जो हमारे पास ये है सी पी माइनस पी इक्वल टू डब्ल्यू होता है, तो इस डब्ल्यू की जगह आर पुट कर दो तो हमारे पास मेन इक्वेशन आ जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।